गाइज, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप कम से कम 2,500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। एंड कंपनी आपको डंके की चोट के ऊपर गारंटी के साथ में कहती है कि अगर आपने उस 2,500 से पैसा नहीं कमाया तो आपका पैसा भी वापस मिलेगा और वो भी ब्याज के साथ में। पहली बार आप लोग एक ऐसा बिजनेस देखने जा रहे हैं जहां पर आपको गारंटी के साथ में आपका पैसा रिटर्न मिलेगा अगर आपको किसी प्रकार की कमाई नहीं होती है। सोचिए दोस्तों, आज के जमाने में ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कहां पर मिल सकता है, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए होने वाला है। आप थोड़ा सा अगर वक्त निकाल करके इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना मेहनत करने की जरूरत है। आप कोई भी काम अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो उसे करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तब भी आपके पास में पैसा आता रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को इस बिजनेस के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम पुलकित भानखुड़ है, रोबसन ग्रुप फाउंडर, सीईओ, चेयरमैन। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है BMB पे, जो एक फिनटेक पे वर्कआउट करती है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है सेम पेटीएम और गूगल पे फोन पे की तरह। और हमारे 1,00,000 से ज़्यादा यूजर्स हैं और 2018 से हम मार्केट के अंदर हैं और काफ़ी सारी सर्विसेज हम मार्केट के अंदर देते हैं। उन सर्विसेज के माध्यम से ही हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनाते हैं। तो उसके पॉइंट पे ही हमने हब पॉइंट का निर्माण किया है। तो हब पॉइंट के अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहती है तो उसके हम ऊपर हम आपको एक ROI देते हैं। ठीक है, तो उससे जो पैसा बंदा लगाता है उसके पैसे की भी सेफ्टी होती है और उसे एक इनकम का ग्रोथ पाथ ग्रोथ मिलता है। मतलब कि उसको तो सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बाद में जो उनके नीचे जैसे कि आप अपने रिटेलर्स वगैरह जोड़ देते हैं, मेहनत वो लोग करते हैं, काम वो करते हैं और उनका परसेंटेज किनको मिलता है, इन लोगों को जी। जो अगर सर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे कि अगर किसी का बजट ज्यादा हो, जैसे आपने बताया कि मिनिमम 2,500 से शुरू कर सकता है, और आपने ये बात भी हमें बताई है कि अगर जो भी व्यक्ति इतना भी पैसा लगा रहा, चाहे वो 1,00,000 लगाए, चाहे 10,00,000 लगाए, चाहे 2,500 लगाए, अगर उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, कमाई नहीं हो पा रही है, तो जैसा कि आपने बताया कि वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। हाँ, वो उनका देखो, हम पहली बात तो एग्रीमेंट करते हैं। हेमंत जी, देखो पहले भी आपकी वीडियो शूट हुई थी, बिल्कुल, तो उस टाइम पे जो हमारी वीडियो शूट हुई थी हब पॉइंट पे एक अच्छा खासा रिस्पांस आया था, अच्छे खासे कस्टमर जुड़े थे हब पॉइंट में। तो उस टाइम पे काफी कस्टमरों के साथ इशू आया था कि उनका ना रेट ऑफ इंटरन मिल नहीं पाया था। तो उस एवेज में हमने काफी सारे चेंजिंग किए, पुराने बंदों को भी हमने काफी सारा चेंज दिया कि आपको जो इनकम नहीं मिल पाई है उसके एवेज में हमने ROI को फिक्स कर दिया है कि आपको अगर मान के चलो 25,000 रुपए आपने लगाया तो 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम आपको पर डे वाइज हम आपको वो पैसा रिटर्न शुरू कर देते हैं। या तो आपकी ट्रांजैक्शन से इनकम आएगी या हम आपको इंटरेस्ट वो देंगे ही देंगे। ये 60 महीने का आपका ये प्लान रहेगा। 60 महीने के दौरान आपको इसके अंदर पर डे के हिसाब से आपको प्रॉफिट आता रहेगा, ये एश्योर्ड रहेगा। ठीक है, घर बैठे उनको पैसा मिल रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो काम करें या ना करें हमारी तरफ से उनको रिटर्न आएगा ही आएगा। जैसे कि आपने बताया कि 12% ब्याज हो गया या फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो और भी ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से पैसा रिटर्न होता है। हाँ, वो आप स्क्रीन पे PDF के द्वारा PDF को दिखा सकते हो, तो उसके दौरान सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हम लोग कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारे रिटर्न आने की कोई गारंटी होती है, क्योंकि पता नहीं, कोई भी धंधा करते हैं फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, 101% आपके पास पैसा आएगा तो आएगा, ऐसा एक भी परसेंट, 0.1% भी चांस नहीं है कि आपके पास में पैसा नहीं आएगा। आपका जितना बजट है उतना पैसा लगा सकते हैं। अच्छा सर, इसके बाद में एक और चीज़ मुझे बताएं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी रेफर करता है तो उसको क्या कमीशन दिया जाता है? इसके अंदर रेफर के अंदर ये रहेगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट मान के चलो मैं ऑलरेडी हब पॉइंट पे हूँ या मैं ऑलरेडी BMB पे की कोई सर्विस यूज कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर हूँ, तो उस टाइम पे अगर मैं आपको शेयर करता हूँ कि आप भी हब पॉइंट ले लो तो आपको ये प्रॉफिट्स रहेंगे, तो उस टाइम पे क्या रहेगा कि आपको एक डायरेक्ट इनकम भी मिलेगी। ठीक है, 5-10% के आसपास उसकी डायरेक्ट इनकम रहेगी। जैसे मान के चलो 2,500 रुपए से अगर 9,999 तक कोई लगाता है तो 5% का आपको प्रॉफिट आता है डायरेक्टली में। ठीक है, और उसके बाद में अगर वो 5,00,000 तक लगाता है तो आपको 10% के आसपास तक प्रॉफिट आ जाता है। अगर उसके बाद जब जितनी भी इनकम होगी, मान के चलो आपने 2,500 रुपए लगाया या 25,000 रुपए लगाया, तो 25,000 रुपए ऊपर आपको पर डे की ट्रांजेक्शन का 25 रुपए आ रहा है, तो 25 रुपए का आपको आएगा
यानी आपने हमारे को जोड़ा है, तो उस एवेज में आपको 5 से 10% का एवरी ट्रांजेक्शन पे भी आपको प्रॉफिट आएगा। यानी दो तरीके के इनकम स्लैब रहेंगे, एक डायरेक्ट इनकम, एक डाउनलाइन ट्रांजेक्शन इनकम, जितना वो काम कर रहा है उसके एवेज में भी आ रहा है और एक वन टाइम पे भी प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ये अच्छी चीज है सर। आज के टाइम में तो नहीं देखा मैंने ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं देखा जिसके अंदर इस तरीके से पेमेंट आती हो। एंड इसी के साथ में सर, इसमें क्या क्या ऐसे व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ गांव के लोगों की, तो गांव के लोगों में क्या होता है कि वो पेंशन वगैरह निकलवाते हैं ना, वृद्धा पेंशन हो गया और जो भी है एक्सेप्ट, वो उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह आधार कार्ड वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो क्या उससे वो भी निकाल सकता है? हाँ, उसके अंदर वो पर्सनली बेसिक पे भी वर्कआउट कर सकता है, जैसे आधार कार्ड से पैसा निकालना, रिचार्ज बिल पेमेंट्स, ITR GST है, पैन कार्ड वगैरह बनाना। हमारी 35+ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको वो अपनी शॉप से भी एक्टिवेट कर सकता है। अगर किसी को पैन कार्ड नहीं बना आता हूँ खुद को, जैसे मान लो किसी को GST बनवाना है, अगर बंदे को नहीं आ रहा और लेकिन उसके पास ग्राहक आ गया कि मेरे को GST बनवाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमने बटन्स दिए गए हैं, तो उन पे हमारी लाइव वीडियोज हैं हमारे हमारे YouTube चैनल के ऊपर, तो हमारे उसमें समझाया गया कि किस तरीके से कौन सा पैनल किस तरीके से वर्क करता है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर बताई जाती है। तो उसके दौरान हमारी सपोर्ट टीम है, कोई भी इजीली उस चीज को ऑपरेट कर सकता है। फॉर्म एक फॉर्म टाइप से होता है, बस वो भरना होता है, उसके बारे में सारे एक्सप्लेन करके रखते हो, उसका जो जो इंक्वायरीज रहेंगी वो सारी चीजें आप उसके अंदर करोगे। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, टोटली सर्विसेज को वो एक ही पैनल के अंदर हमें वहां पे प्रोवाइड करा सकता है कस्टमर को, उसके वजह से वो कमीशन भी कमा सकता है। हमारी तरफ से तो जो इनकम है उसको आ ही रही है, ठीक है, बट वो खुद भी अगर कमाना चाहे तो उसे कमा सकता है। हां, अगर ऑलरेडी मान लो किसी प्रकार की शॉप है, फोटो स्टोर, जेरोक्स वगैरह, हाँ, ये ईमिट टाइप से बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वहाँ तो पे वहाँ एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा उसको। एंड नहीं भी, ये तो गांव के अंदर तो सर वैसे भी नहीं होती है, तो वहाँ गांव पर में अगर बहुत सारी कम सर्विसेज हैं, तो उसी वजह से हमने इसको बनाया है। हमारा इसके अलावा मिनी ब्रांच भी चलता है, हमारा CSP सेंटर सर्विस भी चलती है, हमारा ई केंद्रा भी आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है अभी जो कि एक सैलरी बेस पे रहेगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट भी हमारा जल्दी आने वाला है। खुद दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी खुद भर रहे हो और जगह का किराया भी खुद दे रहे हो, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है? वो सारी चीजें हम उसको दे रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट में आने के लिए हम उसको जितना हो सकता है उतनी ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2018 से जब हम जुड़े तो 2018 में एक छोटी सी शुरुआत थी और उस टाइम पे आप भी हमसे मिले थे, तो आज हमारी 1,00,000+ हमारे यूजर्स हैं जो कि एक्टिवेटेड है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा फेथ बनाए, तो उसके दौरान हम इसको लगातार 1 करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी गाइज आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि इससे अच्छा ऑप्शन, बेटर ऑप्शन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल सकता है। आप काम करोगे तो भी पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो भी पैसा मिलेगा।